जिला मोगा के पिंड तलवंडी नौ बहार के किसान बलदेव सिंह ते उसके पोतरे जसपाल सिंह ने कर्जे तो तंग आके बीती 22 जुलाई की शाम नु जहरीली दवाई पी ली, जिस विच किसान बलदेव सिंह की मौके ते ही मौत हो गई है ते उसका पोतरा हस्पताल विच जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। फिलौर के पिंड मंसूरपुर की एक लड़की नु फोन सुनना उस समय महंगा पै गया जदों रेलवे फाटक लंघ रही थी। इस समय लंघ रही ट्रेन ने लड़की ने टक्कर मार दी जिस नाल उसकी मौत हो गई। संगरूर पुलिस ने वक् वक् साइकिल संस्थावां नाल मिलके नशे खिलाफ जागरूकता पैदा करने लई साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली विच लगभग 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। मोगा जिले के पिंड तारेवाला विखे बीती रात प्रवासी भारती गुरचरण सिंह 60 साल की हत्या कर दी गई। गुरचरण सिंह अपने परिवार समेत मनीला विखे रह रहा सी ते 2 महीने पहला वो अपनी पत्नी बलजीत कौर नाल अपने पिंड आया सी। ग्रेटर नोएडा के जेवर नजदीक एक मुठभेड़ तो बाद 4 दोषियों को काबू करके जेवर समूहिक जबर जनाह ते हत्या मामले नु सुलझाउन दा दावा किया है। इन्हां विच एक दोषी नु गोली लगी है। गुजरात विच भारी मीह कारण हड़ वाली स्थिति लगातार गंभीर होंदी जा रही है। कई इलाकों विच रेल पटड़ियां बह गई हैं ते हुण तक 3 लोगों की मौत हो गई है। फौज वल्लों राहत कार्य चलाया जा रहा है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने भाजपा के अच्छे दिन के वादे ते कहा कि नोटबंदी कारण 4 महीनों विच 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ठाकरे ने दोष लगाया कि GST के बहाने मोदी सरकार ने सत्ता का केंद्रीकरण का यत्न किया है। आज महिला विश्व कप का फाइनल मैच मेजबान इंग्लैंड ते भारत विचकार हो रहा है। यह मैच क्रिकेट का मक्का कह जाते इंग्लैंड के लार्जेस्ट मैदान विच हो रहा है। भारत की महिला क्रिकेट टीम दूसरी बार विश्व कप के फाइनल विच पहुंची है। जम्मू कश्मीर के माचल सैक्टर विच सुरक्षा बलों वल्लों घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। इस दौरान एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। दिल्ली मैट्रो के मुलाजमान ते अधिकारियों की बैठक बेनतीजा होने कारण सोमवार तो दिल्ली मैट्रो के मुलाजम हड़ताल से जा सकते हैं, जिस कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पै सकता है।